हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आई एम जय। मैं आज से एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें क्लास नाइन्थ का साइंस को पढ़ाया करेंगे। ये जो वीडियो है वो प्रत्येक मंगलवार को एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो आपके जो 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं, वो लगभग 3 to 4 मंथ में कम्प्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। और कुछ क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने ये जो आपका स्लाइड है इस तरीके से तैयार की है कि आप लोग हैं वो कम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जो IIT फाउंडेशन या नीट की तैयारी करना चाहेंगे, वो लोग भी यहाँ से अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ों को जल्दी से कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर फर्स्ट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देखते हो कि हमारे आसपास पूरा वायुमंडल है, पेड़ पौधे, ठीक है ना, गैस। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हैं द्रव्य या पदार्थ। तो हम देखते हैं पहले पदार्थ क्या होते हैं। जिनका कुछ ना कुछ वजन हो और कुछ ना कुछ जगह घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक कार जिसका वजन होता है वह जगह भी घेरती है, उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। तो जिसका कुछ ना कुछ, दो चीजें यहां से निकल के आई हैं, जिसका कुछ ना कुछ मास हो और जो जगह घेरती हो, यानी वजन हो और जगह घेरती हो, उसे क्या कहेंगे, उसे हम पदार्थ कहेंगे। तो ऐसे सारी चीजें हैं, क्यों, क्योंकि अगर जैसे मैं कहूँ गैस पदार्थ है क्योंकि वो जगह घेरती है, ठीक है ना। अब मैं आगे बताऊं, फोन जिसपे आप मोबाइल देख रहे हैं वो भी क्या है, वो भी एक पदार्थ है क्योंकि वह जगह भी घेरता है और उसका कुछ ना कुछ वजन भी होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गए आपके पदार्थ। अब पदार्थ के कुछ गुणधर्म होते हैं, उनको देख लेते हैं कि पदार्थ के गुणधर्म क्या होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। उसके थर्ड है, पदार्थ के कण एक दूसरे के आकर्षित करते हैं। तो ये जो तीनों पॉइंट है ये मैं प्रैक्टिकल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कि फर्स्ट है कि पदार्थ के कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है। तो एक हम प्रैक्टिकल करेंगे, क्या करेंगे, एक कांच का ग्लास लेंगे, उसमें एक चम्मच नमक उसको मिला देंगे। और जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो पानी का एक स्तर है यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे, टिक कर देंगे। और एक चम्मच पूरा जो नमक है उसमें हमने डाल दिया। अब उसको अच्छे से घुमा देंगे, फिर आप जब नमक घुल जाएगा तब आप देखेंगे क्या पानी का जल स्तर बढ़ा, नहीं बढ़ा। जल का स्तर बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। तो इससे ये चीज क्लियर होती है कि जो पदार्थ के कण है उनके बीच में क्या रिक्त स्थान होता है, ठीक है ना। तो आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। तो ये क्या प्रैक्टिकल करेंगे, हम इसको भी एक कांच का ग्लास ले लेंगे, उसमें क्या कुछ पॉइंट जो नील की कुछ बूंदे डाल देंगे। फिर आप क्या देखोगे कि जो नील की कुछ बूंदे हैं वो धीरे 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 करके पूरे ग्लास में मिल जाती है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि जो पदार्थ के कण है वो क्या गतिशील होते हैं। थर्ड पॉइंट है, थर्ड जो उसका गुणधर्म था उसको देखते हैं कि पदार्थ के कणों में आकर्षण होता है। तो ये चीज कैसे प्रैक्टिकल करेंगे कि एक प्लेट ले लेंगे, उसमें कुछ पानी डाल देंगे और फिर फिंगर से उस पानी को अलग करने की कोशिश करेंगे, क्या पानी डिवाइड होता है। तो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि पानी डिवाइड नहीं होगा, जैसे ही हम फिंगर को आगे ले जाएंगे तो पानी है वो पीछे मिलता जाएगा। तो इससे ये चीज क्लियर होती है कि जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच में आकर्षण होता है। अब इसका एक और प्रैक्टिकल मैं बता देता हूँ, आप लोग घर पे ट्राई जरूर करें, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतनी सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। यहाँ पर लर्न करने की पॉइंट होते हैं, उनको समझा जा सकता है, लेकिन ज्यादा जो पोर्शन होता है वो चीजें आपको समझना ही पड़ेगा और प्रैक्टिकल से ही सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट प्रैक्टिकल है कि आप जब क्या करें, पानी है, पानी का टैब होता है जो नल होता है उसे ओपन कर दें और आप उसके आगे क्या अपनी उंगली लगा लें, तो आप देखेंगे कि पानी है वो दो धारों में टूट जाएगा, लेकिन फिर आगे चल के फिर वो धार एक बन जाएगी, क्योंकि आप कभी ऐसा प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको इतना सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। अब हम इसमें पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्थाएं। जैसे सॉलिड, पहले हम समझते हैं सॉलिड क्या है, कि जिसका कोई एक आकार हो और
उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी उसके जो अणु हैं वो पास पास हो तो उसे क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। तो फिर एक मेरे क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में उठता है, या मैं ही स्टूडेंट हूँ, मेरे ही मन में एक क्वेश्चन उठता है, सर तो अगर मैं, आप ये कह रहे हैं कि जैसे कि सॉलिड वही होगा जिसमें जिसकी एक शेप होगा, तो क्या शक्कर शक्कर है, या उसके जो शक्कर को हम एक डिब्बे में भर लेते हैं, अगर वो एक केजी का है तो एक केजी में फिट हो गया, अगर हाफ केजी में हमने फिट करना चाहे तो फिट कर लें, तो क्या शक्कर ठोस है? तो हाँ, शक्कर भी ठोस है। कैसे ठोस है? क्योंकि आप जब उसको एक से बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं तो जो उसके टुकड़े होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनका शेप नहीं बदलता, वो छोटे छोटे टुकड़े सेम होते हैं। ठीक है ना? आई होप सॉलिड है यानी ठोस है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं लिक्विड। लिक्विड क्या है? जिसके अणु ठोस से तो दूर दूर हो लेकिन गैस से पास में हो, यानी ये शेप जिस शेप में आप डालोगे उसी शेप को ये ग्रहण कर लेगा। जैसे एक गिलास पानी है, हम चाहें तो एक बाल्टी में डाल सकते हैं वो उसका शेप ले लेगा, अगर हम चाहें तो एक प्लेट में डाल सकते हैं उसका शेप ले लेगा, अगर हम चाहें तो एक उसी को ग्लास में बनाए रख सकते हैं। ठीक है ना? तो आई होप आपको तरल ही समझ में आया होगा लिक्विड। नेक्स्ट बढ़ते हैं गैस। गैस क्या होता है? इसका ना ही कोई शेप होता है, यानी अगर, और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री अवस्था में होते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें तो उसको पूरा संपीड़ित करके एक सिलेंडर में भर सकते हैं, और अगर हम उसको ओपन कर दें तो उनको कहीं भी ढूंढ नहीं सकते, तो ये क्या हो गए? गैस हो गए। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। ठीक है ना? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है? तो हम कहेंगे हाँ, पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। कैसे? कि एक हम एग्जाम्पल लेते हैं पानी का। सबसे इजी एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं क्योंकि आप उसको रिलेट कर सके। तो पानी को क्या है, जब हम उसको फ्रीजर में रख देंगे तब वो जम जाएगी, यानी क्या बन जाएगा, एक ठोस बन जाएगा, और अगर हम उसको गर्म कर दें तो क्या बन जाएगा, उससे वाष्पीकरण होने के बाद गैस बन जाएगी। ठीक है ना? तो इससे ये पता चलता है कि पदार्थ हैं वो अपनी अवस्थाओं को बदलते हैं। जैसे ठोस है, ये आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, ठोस है, अगर हम उसको ऊर्ध्वपातन कर दें तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, और गैस का अगर हम संघनन कर दें तो किसमें चेंज हो जाता है, द्रव में, और द्रव को अगर हम जमा दें तो क्या बन जाता है, ठोस। अब ऐसे ही अगर ठोस का हम संघनन कर दें तो वो क्या बन जाएगा, द्रव, और द्रव का अगर हम वाष्पीकरण कर दें तो क्या बन जाएगी, गैस, और गैस का अगर हम ऊर्ध्वपातन कर दें तो क्या बन जाएगा, ठोस। है ना? तो इससे ये पता चलता है कि जो पदार्थ है उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट बढ़ते हैं, वो है गलनांक। गलनांक क्या होता है? जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.5 के यानी केल्विन होता है। इसको भी आगे हम पढ़ेंगे, के यानी ये एक सिंबल है, प्रतीक है, इनको भी मैंने एक चार्ट के थ्रू आपको बताएंगे। यानी क्या है, जिस तापमान पर कोई भी ठोस है वो पिघलकर द्रव बन जाए, यानी जिस टेम्परेचर पर अगर कोई भी जैसे बर्फ है वो पिघलकर द्रव बन जाए तो वही क्या कहेगा, गलनांक। ठीक है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वथनांक। वायुमंडलीय दाब पर तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। यानी अगर जैसे कोई वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब तो है ना, जो वायुमंडल का एक प्रेशर होता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं, तो उस पर जो भी द्रव है ना वो क्या उबलने लगे तो उसे क्या कहेंगे, क्वथनांक कहते हैं। जैसे अब जल के लिए ये तापमान क्या होता है, ये जल के लिए होता है 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको बोल सकते हैं 373 केल्विन। ठीक है ना? आई होप आपको इतनी समझ में आई होंगी। अब क्या है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या है, एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। तो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया क्या है, पहले हम ये समझते हैं। भौतिक प्रक्रियाएं वो होती हैं जिनके आकार में चेंज हो जाए, तो क्या हो गया, भौतिक क्रिया हो गई, और रासायनिक क्रिया क्या हो गई,
अगर जैसे कोई भी चीज है उसकी अवस्था में ही परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसे रासायनिक अवस्था, रासायनिक क्रिया कहते हैं। अब इसका एक हम एग्जाम्पल समझते हैं कि ऊर्ध्वपातन का क्या एक एग्जाम्पल है। जैसे एक आपने कपूर देखा होगा घर में, कपूर लीजिएगा उस पर आग लगा दें तो आप देखेंगे कि वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा, सीधे किस में, गैस में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना। तो ऐसा केवल जो कपूर के साथ नहीं होता है, ऐसा नौशादर और आयोडीन के साथ भी होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ऊर्ध्वपातन भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब ये क्या है इसे भी जाने। यानी क्या है कि चैप्टर में तो बेसिकली आपको थ्री अवस्थाएं पढ़ाई गई हैं, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन साइंटिस्ट आज के समय में पदार्थ के फाइव स्टेट बताते हैं, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों स्टेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ स्टेज होता है प्लाज्मा और फिफ्थ स्टेज होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस, ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा क्या है, ठीक है ना। प्लाज्मा क्या है, भौतिक और रसायन शास्त्र में प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है। इसमें इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित अनुपात होता है, किसी भी परमाणु या अणु के साथ बंद होने के बजाय स्वतंत्र हो जाता है। प्लाज्मा के ठोस, द्रव, गैस के गुणक से काफी विपरीत होते हैं, इसीलिए इसे चौथी अवस्था माना जाता है। यानी सिंपल सी बात हमें यह याद रखना है कि भौतिक और रासायनिक आंशिक रूप से आयनीकृत कर दिया जाए तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक अनुपात बन जाता है, ठीक है, जो किसी अणु या परमाणु से स्वतंत्र हो जाता है। तो इसी अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लाज्मा का हम कैसे एक अच्छा सा एग्जांपल समझिए कि आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे सन है, इसकी जो कोर होती है यानी इसके अंदर होता है जो स्टेट होती है उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस क्या है, सन 1920 में, 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पांचवी अवस्था के लिए कुछ घटनाएं की और उन घटनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने नई पदार्थ की अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस कहा जाता है। अब ये क्या, ये चीज पता चल गई कि बोस है और आइंस्टीन है, यानी बोस वो भारतीय वैज्ञानिक है सत्येंद्रनाथ बोस, और आइंस्टीन है उनको के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। इन लोगों ने मिलकर एक रिसर्च की जिसमें पता चला कि पदार्थ की फोर्थ अवस्था तो प्लाज्मा हमने पढ़ रखा है, लेकिन एक और अवस्था होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये अवस्था क्या होती है इसे समझते हैं। पदार्थ के लिए एक अवस्था जिसमें बोस बोसान की तनु गैस को शून्य यानी जीरो डिग्री टेम्परेचर तक, बहुत निकट तक तापमान तक ठंडा कर दिया जाता है, तो इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस कहते हैं। यानी क्या है कि कोई भी अगर गैस है यानी तनु गैस को जीरो डिग्री या -270 डिग्री सेल्सियस तक यानी जीरो केल्विन पे या -273.15 डिग्री सेल्सियस तक, उस टेम्परेचर तक अगर इसको ठंडा किया जाए तो जो गैस का नया एक अवस्था होगी उसे क्या कहेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। आई होप आपको ये भी चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये क्या है कि कुछ मापने योग्य राशियां और उनकी मात्रक। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपको ये चीज मैं बता रहा हूं, यही मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। कुछ चीजें हैं उनको आपको याद करना ही पड़ेगा और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमने पढ़ा पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के गुणधर्म और गलनांक, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन, ये क्या है, ये सारी चीजें हमने समझ ली हैं। और ये जो है कि कुछ राशियां हैं उनके मात्रक हैं, ये आपको लर्न करने वाली चीज है, लेकिन फिर भी मैं आपको वन टाइम के लिए रीड करके बता दे रहा हूं। तापमान क्या है, तापमान का एक राशि है, उसका मात्रक क्या है, केल्विन है, और प्रतीक क्या है, के। लंबाई क्या है, मीटर एक राशि है, मीटर इसका मात्रक है, और एम एक प्रतीक है। संहति, संहति या इसको बोले द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, प्रतीक होता है केजी। भार है वो होता है न्यूटन और इसका प्रतीक होता है एन। आयतन है घन मीटर, इसका प्रतीक होता है मीटर क्यूब। घनत्व है किलोग्राम प्रति घन मीटर, केजी मीटर क्यूब, और इसका दाब होता है पास्कल, ठीक है ना। तो ये था आपका चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर मैंने तो इसमें से कुछ नोट ही नहीं कर पाया। कोई दिक्कत नहीं, ये जो पीडीएफ है आप, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे हम। एक जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी,
तो आपको ऑनलाइन स्टडी सर्च करेंगे तो वहां पर यहाँ इस जो चैनल है टेलीग्राम पे, वहां पर आपको ये सारी जो पीडीएफ है वहां से प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और अगर आप टेलीग्राम डाउनलोड कर देते हैं वहां पर सर्च करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर टेलीग्राम की एक लिंक है, तो वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट आप मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्या था, ये एक्सप्लेनेशन पोर्शन था। तो ये जो मैंने पीपीटी आपको डिजाइन किया है ये पूरा एक्सप्लेनेशन पोर्शन है। अब इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी आप पीडीएफ के फॉर्मेट में इसी टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको क्या है, आप चाहें तो उन पीडीएफ को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं या फिर आप फोटो कॉपी भी करा सकते हैं। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो ये अगर आपको सारी चीजें क्लियर हुई हैं तो आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर सकूं। आई होप सारी चीजें क्लियर हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।